गाइस, आपको पता है क्या, आज का जो रिव्यू होने वाला है आईफोन 15 प्रो मैक्स का, भाई मेरे पास 3 यूजर्स का डाटा है। मेरे ऑफिस में 3 लोगों ने खरीदा हुआ है फोन। इनफैक्ट मैंने पर्सनली आईफोन 15 प्रो भी यूज किया है काफी समय के लिए, अराउंड 30 दिन हो चुके हैं टेस्ट करते हुए। और जब ये प्रो वाली सीरीज लॉन्च हुई थी, कितने क्वेश्चन उठे थे ना कि हीटिंग की प्रॉब्लम है, ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बहुत हद तक क्लैरिटी देने वाला हूँ। अगर आप ये फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपकी बहुत अच्छे से हेल्प होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, इन फोन के ना डिजाइन को लेकर ना बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। जैसे कि MKBHD ने ना बहुत कमाल की बात बोली, एक कार है पोर्शे 911, उसका है ना बहुत सालों से डिजाइन जो है सेम है, बस वो है ना कि हर साल मॉडर्न होती रहती है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूव होकर आती रहती है। और यही सेम पर्सपेक्टिव इन नए आईफोन के साथ लोग अब एसोसिएट करने लगे हैं, क्योंकि हमने देखा है भाई आईफोन 12 से लेके अब आईफोन 15 पे आ चुका है, काफी हद तक ये सिमिलर दिखते हैं, बस थोड़ी बहुत मटेरियल चेंज हो रही है और थोड़ी बहुत शेप चेंज हो रही है, कॉर्नर वगैरह से लाइक स्मूथ होते जा रहे हैं। क्या है ना कि लग्जरी आइटम जितने भी होते हैं ना, क्योंकि एप्पल अब लग्जरी आइटम ही बन चुका है, चाहे फिर वो रोल्स रॉयस कार हो या फिर ये पोर्शे कार का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये ना डिजाइन सेम रखते हैं, बस वो धीरे धीरे रिफाइनमेंट करते रहते हैं, जो कि मुझे बहुत सेंसिबल बात लग रही है। पहले मैं भी पर्सनली बहुत क्रिटिसाइज करता था कि भाई एप्पल डिजाइन हर साल क्यों नहीं चेंज कर रहा, बट अब समझ में आता है कि सिमिलर डिजाइन रखो और थोड़ी थोड़ी रिफाइनमेंट करते रहो, छोटे छोटे चेंजेस करते रहो, जैसे कि इस फोन में की है। नो डाउट इस वजह से एक ह्यूज आइडेंटिटी क्रिएट होती है। और अगर अपने एक्सपीरियंस की भी बात करूं यार, टाइटेनियम एलॉय की वजह से जो वेट कम किया है ना, जैसे मैंने लंबे समय तक चैट करी है इस फोन पे, इनफैक्ट मैंने कॉन्टेंट भी देखा है, मैंने पॉडकास्ट वगैरह भी देखे है, यार हाथ में दर्द नहीं होता। तो जैसे पहले मैं प्रो मैक्स वेरिएंट पर्सनली यूज करना पसंद नहीं करता था, बट अब मैं ये यूज कर सकता हूं, इतना कंफर्टेबल हो गया। और जब फोन लॉन्च हुआ था ना, मुझे अभी भी याद है एक पिक्चर आई थी जहां पर बटन्स के आसपास जो है ना ऐसा लग रहा था कि कलर हटने लगा है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको विदाउट केस यूज किया और विद केस भी यूज किया है, तो मुझे एज सच ना ही कोई मेजर स्क्रैचेस दिख रहे कहीं पे भी। वैसे नेचुरल टाइटेनियम पे बहुत कम स्क्रैचेस आते हैं, दूसरे कलर में फिर भी बता रहे लोग कि आते हैं ज्यादा स्क्रैचेस, बट मुझे मेरे को ड्यूरेबिलिटी में एज सच इशू नहीं है, क्योंकि मेरे से फोन गिरा भी है और एज सच टूटा नहीं है। इनफैक्ट कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने तो प्रॉपर टेस्ट भी किया है जहां पर उन्होंने बेंड करने की कोशिश करी है, और ये 15 प्रो मैक्स वो टेस्ट पास कर गया है। तो जो स्टार्टिंग में बात चल रही थी ना कि फोन जल्दी टूटता है, आई थिंक ये भी थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। और पता है जो एक्शन बटन आया ना, मैंने देखा है भाई हर एक यूजर इसको डिफरेंट तरीके से यूज करता है। जैसे कि मैं तो आज भी भाई पुराना ओल्ड स्टाइल रिंग और वाइब्रेट के लिए इसको यूज करता हूं, बट मेरे टीम मेंबर गोरांत ने इस एक्शन बटन में टू-डू लिस्ट सेट कर रखी है, तो उसको उससे इजी रहता है। इनफैक्ट मेरे एक टीम मेंबर ने यहां पर कैमरा सेट कर रखा है कि जैसे इस पे क्लिक करेंगे कैमरा खुल जाएगा, ठीक है, हर किसी को सेटिस्फाई कर रहा है। और पता है क्या, कुछ लोगों ने तो शॉर्टकट्स का यूज लेके इस एक्शन बटन को पता नहीं क्या क्या परफॉर्म करा दिया है। अगर आप इतने टेक्निकली एडवांस हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। और मैं सीरियसली एक बात बोलूंगा, 15 प्रो मैक्स के अंदर फैंटास्टिक स्पीकर डाले हुए हैं, जो सेपरेशन है ना लेफ्ट और राइट की, भाई मेरे हिसाब से वो ग्रेट लेवल पे फील होती है। बाकी हैप्टिक्स तो हमेशा से आईफोन के अच्छे रहे हैं। अच्छा, डायनेमिक आइलैंड के बारे में बात बताता हूं। जैसे ब्लिंकिट यूज करता है डायनेमिक आइलैंड का, और कुछ कुछ एप्स करती है, लेकिन अभी भी ना इस डायनेमिक आइलैंड का ना फुल पोटेंशियल यूज नहीं हुआ है भाई, बट अच्छी बात है क्योंकि अब हमें आईफोन 15, 15 प्लस और बाकी फोन्स में भी देखने को मिल गया है डायनेमिक आइलैंड। तो मैं ऐसा होप करके चल रहा हूं कि फ्यूचर में बाकी एप्स भी इसका कुछ यूज ले, नहीं तो अभी ये कंटेंट देखने के बीच में ज्यादा आता है। बट हाँ यार, आईफोन 15 प्रो मैक्स की डिस्प्ले को जब देखो ना, तो मजा तो नो डाउट आता है, क्योंकि बेजल्स एक्चुअली में कम कर दिए है, जो कि ओवर टाइम आपको फील नहीं होगा। आपको तब फील होगा जब आप 14 प्रो मैक्स साइड में रख दोगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार 14 प्रो मैक्स में बेजल्स ज्यादा थे। बट सीरियसली फैंटास्टिक डिस्प्ले है इस फोन के अंदर। अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले बहुत अच्छी है, मैंने डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कॉन्टेंट देखा और कॉन्टेंट देखते समय जो नेचुरल कलर हमें मिलते हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ पर्सनली। और क्योंकि डिस्प्ले जो है बहुत एक्यूरेट कलर्स दिखाती है, तो भाई फोटो एडिटिंग करने में नो डाउट बहुत मजा आता है, क्योंकि वीडियो भी हम एडिट कर सकते हैं ना, तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कंटेंट क्रिएशन के लिए फैंटास्टिक डिस्प्ले है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, लोगों को लगा था कि जो लेटेस्ट आईफोन 15 प्रो सीरीज है, इसके अंदर डिस्प्ले में बर्न इन की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है, लेकिन एप्पल ने बताया ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी और iOS 17.1 में ये भी फिक्स कर दिया। अगर आप फेस कर रहे थे तो भाई सी चीज ठीक हो चुकी है। अच्छा, बैटरी की बात करते हैं। आपको पता है क्या, सबसे पहले मैंने आईफोन 15 प्रो में सिम डाली थी और इसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं था, बट कुछ टाइम बाद सॉफ्टवेयर अपडेट आया और बैटरी लाइफ सुधर गई। और अगर स्पेसिफिकली आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात करूं, भाई ये तो डे वन से सॉलिड बैटरी बैकअप दे रहा है, ये एप्पल ने कमाल का काम कर रखा है। क्योंकि जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है ना, इसको मैं किसी भी तरीके से यूज करूं, चाहे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो या फिर ऑफ हो, अगर मैं पूरा अच्छे से भी यूज करता हूं पूरे दिन फोन, तब भी रात को ना 15% के अराउंड बैटरी बची हुई होती थी।
बहुत अच्छा है भाई ये, थोड़ा सा लाइक कन्वीनियंट रहता है। देखो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है तो 8 से 9 घंटे के बीच में मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, जो कि फैंटास्टिक नंबर है। और पता है क्या, अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर देता हूँ तो 10 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम है इस फोन के अंदर, जो कि वाइल्ड नंबर है। और जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया ना रियल वर्ल्ड यूसेज के है भाई, जिसमें 5G भी है, डायरेक्ट सनलाइट में फोन यूज कर रहा हूँ, वीडियो कॉल्स भी है, वॉइस कॉल भी है, बहुत प्रॉपर यूज किया है मैंने फोन का। आगे चार्जिंग की सेम स्टोरी है भाई, बहुत टाइम लेता है 2 घंटे के आसपास, तो वो एक अनोइंग चीज है। बट आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ जो मैंने फेस किया। देखो आईफोन 15 सीरीज में जब से टाइप सी पोर्ट आया ना, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, काफी चीजें कनेक्ट हो जाती है, मैंने बताया था आपको। इनफैक्ट चार्जर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे लिटरली हर एक जगह पे टाइप सी चार्जर मिल जाता है। बट प्रॉब्लम पता है कहां पर हुई, क्योंकि मैं एयरपोर्ट्स 3rd Gen यूज करता हूँ जिसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट है और लाइटनिंग पोर्ट से ही चार्ज होता है। और अगर कोई भी बंदा फोन खरीद रहा है, काफी चांसेस है कि उसके पास ऑलरेडी एप्पल के प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि मेरे पास एयरपोर्ट्स थे। और प्रॉब्लम यही है, अब मुझे टाइप सी से फोन चार्ज करना पड़ता है और लाइटनिंग से अपने एयरपोर्ट्स, तो मुझे दोनों केबल एनी हाउ लेके चलना पड़ रहा है भाई, ये पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। इनफैक्ट एक सुपर फनी चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी पावर बैंक में बैटरी कम है ना, और अगर आप आईफोन से कनेक्ट करो लेटेस्ट वाले, तो भाई आईफोन पावर बैंक को ही चार्ज करने लगता है। ये इतना बड़ा बग कैसे छोड़ दिया भाई एप्पल ने, बड़ी परेशानी हो रही है, आई होप एप्पल इसको जल्दी से फिक्स कर दे भाई। अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो नो डाउट iOS जो है ना बहुत फैंटास्टिक वर्क करता है भाई। जैसे कि Instagram अगर आप ओपन कर रहे हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप, अगर आप स्टोरी लगाते हो Instagram पे, या फिर कोई वीडियो कैप्चर करते हो, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि इन जनरल बाकी एंड्रॉइड फोन्स ऐसे ऑप्टिमाइजेशन नहीं दे पाते। और मैं कितनी सारी ऐप्स जानता हूँ जो iOS में बेटर चलती है एंड्रॉइड के मुकाबले, तो एप्पल ने इतने सालों में ना ये काम बहुत अच्छा किया है कि ओवरऑल फ्लूइड एक्सपीरियंस दिया है, जो कि एक नॉर्मल यूजर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, और स्टेबिलिटी भी बहुत रहती है इस फोन के अंदर। बट याद है जब मैंने इस फोन के ऊपर सबसे पहली वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नया आईफोन आता है तो उसके साथ बग्स भी बहुत सारे आते हैं, फिर वो धीरे धीरे सॉल्व होते चले जाते हैं। एक्चुअली में वही हुआ, इस फोन में बहुत हीटिंग थी, लिटरली काफी ज्यादा हीटिंग थी। स्पेशली जब भी मैं कॉल पे बात करता था ना, तो मेरा कान बिल्कुल गर्म हो जाता था, या फिर इन जनरल पूरी डिस्प्ले काफी गर्म हो जाती थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि हीटिंग इन जनरल हमें देखने को मिलती थी। बट एप्पल ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट दिया था ना iOS 17.0.3 का, उसके बाद हीटिंग भाई बहुत हद तक सॉल्व हो गई है। अब मुझे बस एक मामूली हीटिंग दिखती है जब भी मैं बहुत देर तक गाने सुनूं तब। तो काफी लोगों का कंसर्न था कि भाई हीटिंग है नहीं आईफोन्स के अंदर, तो आप मान सकते हो काफी हद तक सॉल्व हो गया है। इनफैक्ट अब फोन में भाई ज्यादा बग्स भी मुझे नहीं देखने को मिले, बस एक ही चीज मेरे को रिकॉल हो रही है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, कि अगर मैं कैमरा ओपन करता हूं 5x टेलीफोटो से, अगर मैंने फोटोज खींची और फिर मैंने चेक करी कैसी फोटो आई है, और फिर मैं दोबारा से कैमरा ऐप पे आता हूं ना, तो वो पूरा ब्लर हो जाता है, लाइक फ्रीज हो जाते हैं काफी बार। तो ये जो व्यू फाइंडर फ्रीज होता है थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, विश एप्पल इसको फिक्स करे, नहीं तो ऐस सच कोई और बग तो मुझे नहीं देखने को मिला। और आईफोन 15 प्लस के रिव्यू में भी मैंने एक चीज हाईलाइट की थी यार, बहुत स्ट्रिक्ट है यार एप्पल अपनी iOS को लेके ना, अगर कोई ट्वीट लिखा है फिर मैं उसको ट्वीट पे क्लिक करके मिनिमाइज कर देता हूं ऐप, तो वापस जब तक मैं ना खोलूं ना वो ट्वीट नहीं जाता। तो लाइक बैकग्राउंड वर्किंग जो है iOS में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो रोक देता है सडनली, अगर आपने कुछ अपलोडिंग पे लगा रखा है मिनिमाइज कर दिया अपलोडिंग भी रुक जाती है। ये काफी लोग ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, आई थिंक एप्पल को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम करनी चाहिए। अच्छा परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूँ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इस फोन को इतने टाइम यूज करने के बाद। देखो एंड्रॉइड वर्ल्ड से कंपेयर करके बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी महंगा फोन खरीदते हो, अगर आप उनमें बहुत देर तक कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हो ना, तो वो अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर लेते हैं, इसको ना थ्रॉटलिंग बोलते हैं। अगर मैं आईफोन की बात करूं, जैसे कि मैं प्रो रो फोटो एडिट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल लाइट रूम के अंदर, तो भाई फोन गर्म हो जाएगा लेकिन थ्रॉटल नहीं करता। इनफैक्ट इस चीज का बेस्ट एग्जांपल जो है ना गेमिंग के टाइम पे पता लगता है, अगर आप 1 घंटे तक भी गेमिंग करते हो ना, कोई भी हैवी गेम भी खेलते हो, आईफोन्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे जाते हैं, चाहे फिर वो काफी हीट भी कर जाए तब भी, जबकि बाकी फोन्स जो है अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर लेते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत सही लगी कि अगर मैं पे कर रहा हूं एटलीस्ट मुझे जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल रही है, और ये ओवर टाइम मुझे समझ में आया। बाकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे नोटिस में आई, जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है ना पिछले साल का, अगर उसमें कैमरा यूज कर रहे हो आप डायरेक्ट सनलाइट में या फिर ज्यादा हीट में, तो ना डिस्प्ले थ्रॉटल कर जाती थी, मतलब डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो जाती थी। ये काफी ज्यादा होता था आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर, बट अगर मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात करूं तो ये चीज मुझे अब कम देखने को मिलती है। इन शॉर्ट पता मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप 1,60,000 का फोन खरीद रहे हो ना, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देता है एप्पल कि मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ला कर दूंगा, मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। और
सिमिलर स्टोरी मेरे हिसाब से कैमरे की भी है। चाहे आप मूव कर रहे हो, सब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो, आपने कैमरा निकाला है किसी भी कंडीशन में और फोटो क्लिक करी है, भाई फोटो भी स्टिल आती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ जाती है। ये मुझे ऐसा लगा कि बाकी फोन्स नहीं डिलीवर कर पाते। और इस सेम चीज मेरे टीम मेंबर गोरांग ने भी बोली है कि वो ऑटो में बैठा है, अब ऑटो चल रहा है और वो इंडियन फ्लैग की फोटो खींच रहा है, वो भी स्टिल सब्जेक्ट नहीं है बट स्टिल पिक्चर बिल्कुल सही है। और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा जो है ना, पेट्स की फोटो खींचने के टाइम पे मुझे लगता है भाई, जहां पर लिटरली यार ऑब्वियसली पेट तो मूव करते रहेंगे ना, बट ये अच्छी फोटो खींचता है। देखो ऐसे स्टिल फोटोज जो है आईफोन 14 प्रो मैक्स भी खींचता था, लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स का HDR इतना अच्छा नहीं था और ना ही कलर एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी। बहुत सुपर चीज दिखाता हूं जो एप्पल ने करी है। देखो मैं इस फोन से फोटोज खींच रहा था और मैंने 1x पे ना दो बार टैप करा और 35mm लिखा है जो कि 1.5x है। और बताए क्या, ये जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं ना, उनके पास हमेशा 35mm वाला लेंस पक्का होता है, क्योंकि ये कुछ अलग ही फोटोज खींच पाता है। एग्जांपल के साथ बताता हूं कि ये 35mm क्यों अच्छा है। देखो मैंने एक फोटो 1x पे खींची है और दूसरी 35mm पे। आपको खुद लग रहा होगा कि 35mm पे ना फ्रेमिंग थोड़ी राइट हो जाती है और 1x में बैकग्राउंड में थोड़ा ज्यादा दिखता है, और इस वजह से इस फोन पे 35mm पे फोटो खींचने में बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि ये फोन जो 24 मेगापिक्सल पे फोटो खींचता है तो भाई क्वालिटी लॉस भी नहीं होता। एक और जरूरी बात बताता हूं, इस फोन में क्या तो सीधा 1x है या फिर सीधा 5x लेंस है। अब 2x होना भी मेरे को ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और 2x भी फैंटास्टिक वर्क कर रहा है। एक और चीज इस फोन में जो सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, एप्पल ने भाई मेरे हिसाब से कमाल की है। अगर इस फोन से आप कभी भी कोई ह्यूमन शॉट खींचोगे ना, तो आप बाद में पोर्ट्रेट मोड लगा सकते हो, और मेरे एक्सपीरियंस में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज थी। आपको क्रॉप करना है बाद में क्रॉप करो, बाद में ब्लर ऐड करना है आराम से कर लो। ये मुझे फैंटास्टिक फीचर लगा। और फैंटास्टिक भाई क्यों ना लगे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ अब एक ही है, 1x पे फोटो खींची, बाद में मैं कुछ भी बना सकता हूं। और हाँ यार, क्योंकि 5x का भी यहां पर टेलीफोटो लेंस मिलता है, तो बाय चांस अगर आपको बहुत ज्यादा जूम करना है, वहां पर ये अच्छा वर्क करता है। 5x पे अच्छी फोटोज आती है और पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा वर्क कर जाता है, ब्लर ठीक है बिल्कुल। बट हाँ, इसकी वजह से एक बेनिफिट है कि 10x पे भी मेरे हिसाब से अच्छी फोटोज आ रही। बाकी सेल्फी, लो लाइट फोटोज और बाकी जितने भी फीचर्स है वो मैंने पहली वाली वीडियो में जो इस फोन के ऊपर मैंने बनाई थी, सब कुछ मैं कवर कर चुका हूं। लेकिन इस वाली वीडियो में ना मैंने एक नई चीज टेस्ट करी थी कि 5x लेंस पे अगर मैं एक्शन मोड के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, यार क्या क्रेजी आउटपुट निकल कर आता है। एक तो वो HDR वीडियो रहती है, 60 फ्रेम्स की रहती है, और आउटपुट देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार मैंने गिम्बल यूज कर रखा था, तो ये एप्पल ने कैसे किया है, ये मैं देखकर थोड़ा सा लाइक शॉक हुआ था। बाकी नो डाउट मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियोज में एप्पल किंग है, जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग ला कर देता है। नो डाउट कि भाई सारे व्लॉगर्स आईफोन से क्यों शूट करते हैं, वो सच में एक्सीलेंट है। तो सारे एक्सपीरियंस को क्लब करने के बाद मैं ये बताना चाहूंगा कंक्लूजन में, देखो नो डाउट अगर बजट प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से भाई ये बेस्ट फोन है जो आप खरीद सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 1,60,000 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू फॉर मनी फोन है। देखो इंडिया में ये फोन एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव बोला जाएगा, लेकिन मैंने आपको वीडियो के बीच में ये बोली थी ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उसके लिए आप पैसे दे रहे हो। नो डाउट वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको हर एक एस्पेक्ट में दिखती है इस फोन की। लेकिन इस बार ना मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है आईफोन 15 प्रो मैक्स। बाकी मैं तो ये भी बोलूंगा, अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो आउट ऑफ इंडिया जहां पर आईफोन सस्ता है, या फिर आपको कोई फ्रेंड है कहीं पे वो ला सकता है आपके लिए, मुझे लगता है कि भाई आउट ऑफ इंडिया इस फोन की वैल्यू थोड़ी सी बेटर है। 1,15,000 लाइक दुबई वगैरह में मिल रहा है, उससे भी कम बाकी कंट्रीज में मिल रहा है। अगर पॉसिबिलिटी हो कि आप ये ऑप्शन किसी तरीके से अपने लिए अवेलेबल कर सकते हो, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि कम में इस फोन को खरीदना सुपर वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है। तो भाई आप बताओ, आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में? अगर आप यूज कर रहे हो तो अपना वैल्यूएबल रिव्यू जरूर लिखकर जाना, भाई बहुत लोग की हेल्प होती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक फॉर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। आगे मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।